हे जगतवासी आज आमी शामीम आली चिस्ती आपनादेर सामने एकटी आलोचना निये आसलाम। सेई आलोचनाटी हलो जे शरीयतेर दृष्टिते आमरा जा देखी जे जामातेर नामाज पढ़ा सवाब, जामातेर नामाज पढ़ते पारले आल्लाह राजी खुशी। तो आजकेर जे आलोचनाटी सेई आलोचनाटी हलो जे जामातेर नामाज पढ़ते होबे ए कथाटी शरियत बोलतेছে किन्तु मारिफत हाकिकत एवं तरिकत कि बोले। अच्छा ताहले शरियतेर जामात मस्जिदे आमरा कातार सोजा करी, एरपरे देखा गेছে एकटा दाग दिए दागेर मध्य कातार बंध हये आमरा जखन दाड़ाई तखन देखा जाय जे एकटा मस्जिदे 10टा 15टा कातार हय। तखन एई दागेर मध्य पा रेखे आमरा दाड़िये गेलाम। तबे आमार कथा हलो जे जामातेर नामाज पढ़ा सोयाब बेशी, एई कथाटा बोले। सोयाब शब्देर अर्थ कि? लाभ बेशी। तबे हे जगतवासी जे एखन जे विषयटी हलो जे हाकिकतेर देशे जदि जाई, मारेफतेर देशे जदि जाई ताहले सेई जामातटा कि? शरियतेर जामातेर नामाज पढ़तेছে कातारबद्ध হয়ে, देखा गया दाग दिए दागे दाड़िए गल। ताहले एटा तो शरियतेर कातार बा शरियतेर जामात। एखन एखन कथा हलो जेटा सेटा हलो जे हाकिकतेर देशेर जामात कि? हे जगतवासी जे हाकिकतेर देशेर जामातटा कि, मारेफतेर जामातटा कि, एई विषयटा जाना आमार दरकार एवं जादेर दरकार तारा अवश्य जेने नेबेन इंशाअल्लाह। शरियत मस्जिदे कातारबद्ध हये जे जामातटी पालन करतेছে गेलो शरियतेर सबजेक्ट। तबे एखन आसबो कोन सबजेक्ट? जामाते नामाज पढ़ते होबे एटार हाकिकतटा कि? हाकिकतेर जामात काके बोले? ताहले शरियतेर जामात आमी चिनलाम आपनादेरके निये, इमाम साहेब पढ़लो। एखन हाकिकतेर जामातटा कि आर कि बला हयेछे जे जामाते नामाज पढ़ले सवाब बेशी। ताहले आमी जदि प्रकार भेदे जाई ताहले देखा गेछे जे ए मानव देहेर भितरे आछे 6टा रिपु। एई 6टा रिपुर नाम कि? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मात्सर्य। एई 6टा रिपुर कातार सोजा जखन होबे तखन होबे आमार नामाजेर जामात। जखन आमार देहेर मध्ये 10टा इंद्रिय आछे, 5टी कर्मेंद्रिय और 5टी ज्ञानेंद्रिय, एई 10टी इंद्रिय जखन कातार सोजा होबे जखन नामाजे दाड़ाबो तखनई आमार होबे 10 इंद्रियेर कातार सोजा हलो। एबं मानुषेर मध्ये ज्ञान, मन, विवेक एई जिनिसगुलोर कातार सोजा होबे। एबं आमादेर एई मानव देहेर भितरे हादिस अनुसारे जदि जाई ताहले 70,000 फेरेस्तार कथा बला हयेछे, किन्तु 70,000 फेरेस्ता एटा बला ठीक ना, केनना 70,000 फेरेस्ता बोलले एटा कम हो जाबे। तबे बोलते होबे कि? बोलते होबे अगणित फेरेस्ता मानव देहेर मध्ये आछे। ताहले एई अगणित फेरेस्ता आमार मध्ये जारा आछे तादेर कातार सोजा होते होबे। ताहले हाकिकतेर देशेर नामाजटा कि? जे आमार 6 रिपुर कातार ठीक करते होबे, 10 इंद्रियर कातार ठीक करते होबे, ज्ञान, मन, विवेकेर कातार ठीक करते होबे एवं देखा गेছে आमार मध्य फेरेस्ता सकलेर कातार सोजा करते होबे। एवं एई कातारगुलो सोजा करे जदि केउ नामाज पढ़ते पारे तार कि होबे? तार सेई नामाजे आल्लाहर दर्शन होबे, आल्लाहर मेराज होबे। एखन देखा गेছে जे कातारगुलो निजेर मध्य जे कातारगुलो सोजा करते होबे সেই কাতারগুলো সোজা করা হচ্ছে কোথায়? বাহিরে। ভিতরের কাতার যদি আমি সোজা না করি আর যখন বাহিরের কাতার সোজা করব তখন আমার মনটা বাহিরেই পড়ে থাকে। নামাজে দাঁড়িয়ে আমি ব্যবসা করতে গেছি, নামাজে দাঁড়িয়ে আমি গরু পালতে গেছি, নামাজে দাঁড়িয়ে আমি একজন লোকের কাছে টাকা পাইতাম সেই টাকাটা চাইতে গেছি। তাহলে বোঝা গেল কি, বাহিরের কাতার সোজা হলে মানুষটা বাহিরেই থাকে। আর ভিতরের এই কাতারগুলো যদি কেউ সোজা করতে পারে তাহলে এই কাতারটির নাম হলো হাকিকতের দেশের জামাত, হাকিকতের দেশের কাতার। আর এই জামাত আর এই কাতার যদি কেউ সোজা করতে পারে তারা পুণ্যবান হয়ে যাবে। তবে হে জগতবাসী, অবশ্যই আমার এই কথাগুলো আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন। যারা বুঝতে পেরেছেন এবং যারা মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে হ্যাঁ, ভিতরের কাতার সোজা না হইলে তো হবে না, করতে হবে, এতটুকু ভাবনাও যে ভেবেছেন, আমি তাকে সালাম ও ভক্তি জানাই। যে আমরা বাহিরেরটা তো ছোটোবেলা থেকে করতে করতে বাহিরেরটা তো আমরা পবিত্র করেছি, এখন আমরা করব কি? এখন আমরা করব ভিতরের কাতার। তখন আর থাকবে না কোনো বেতার, আল্লাহর সাথে আমার হয়ে যাবে সাক্ষাৎ। হে জগতবাসী, তো আমাদের এই আলোচনা যদি আপনাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, পরবর্তীতে আমাদের ভিডিওগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আজ এ বলেই রাখবো, সকলেই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।